एकदम एक्टिव मोड पे सारे बच्चे। यस सर। अच्छा आज इतने एक्टिव कैसे, आज कौन सा बूस्ट मिली है आप सबको? जितने एक्टिव आज हो डेली कितने ही रहा करो। तो बच्चों हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अभी जो करा वहां तक की बातें क्लियर। बताओ। यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन क्या था एक बार बताना। 16। अब यहाँ 17 से स्टार्ट करना है। 17 को हम अभी करेंगे। सबसे पहले आप एक बात बताओ, परसेंटेज में आपको एक बात समझाई थी, प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो, ये बात याद है या फिर भूल गए? देखो जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पढ़े थे वो ही आप यहाँ पढ़ोगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। अगर प्राइस का रेशियो है 5:6 तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 6:5। अगर प्राइस का रेशियो है 5:6 तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 6:5। बस अब हमारे पास आप इसी कॉन्सेप्ट को आप देखो, अगर कि सेम कॉन्सेप्ट पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन बनेगा तो वो इस टाइप से आएगा। करो इसको रीड फटाफट से, रीड करो। देखो हमारे पास एक मैन है, वो 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करता है। हमें फाइंड आउट करना है वो 1 रुपीज में कितने ऑरेंजेस को सेल करे जिससे उसे 10% प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? भाई 1 रुपीज में 11 परचेज करेगा, 1 रुपीज में कितने सेल करे जिससे उस मैन को 10% प्रॉफिट हो, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया, टेन परसेंट की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। भाई 10% की फ्रैक्शन है 1/10। अगर हमें 10% प्रॉफिट लेना है तो इसका मतलब प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? भाई अगर किसी आर्टिकल का एक्चुअल प्राइस है 10, हमने उस पे 1 प्रॉफिट ले लिया, तो अब उसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 11। भाई एक्चुअल प्राइस था 10, 1 हमें प्रॉफिट हो गया, अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 11। 10 से 11 कैसे हुआ ये बात समझ आई? प्राइस का रेशियो है 10:11 तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 11:10। भाई प्राइस का रेशियो है 10:11, कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 11:10। अब देखो 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस परचेस करे, मतलब 11 की वैल्यू गिवन है 11, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11, 1 की वैल्यू होगी 1, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10। अगर ये मैन 1 रुपीज में 10 ऑरेंजेस को सेल करे तो इसको 10% प्रॉफिट होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? उस प्रॉफिट परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करो इसको। सर ये लास्ट में किया वो समझ नहीं आया, वो 11 देखिए। एक सेकंड। अब आप एक बार फटाफट से बताओ, इतनी बात समझ आई बच्चों आपको? प्राइस का रेशियो होगा 10:11 तो कंजप्शन का रेशियो होगा 11:10,
ये बात किसको समझ नहीं आई, बोलो बोलो बच्चों, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो, ऐसे भी क्या दिल के दर्द जो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब देखो क्वेश्चन में हमें 11 की वैल्यू कितनी गिवन है, 11 की वैल्यू है सोनाक्षी हमारे पास 11। ये बात समझ आई बच्चों? भाई हमने कितने परचेज करे हैं 11 सर? हाँ बोलो। ये बात समझ नहीं आई कि जैसे आपने लिखा 10% गेन, तो इसका मतलब 10 पे उसको एक गेन करना है, तो यानी कि 10 कॉस्ट प्राइस होगा और 11 सेलिंग प्राइस होएगा। बिल्कुल। तो फिर आप प्राइस बोलो हिमांशी, यही है ना कि 10 कॉस्ट प्राइस होगा और 11 सेलिंग प्राइस होएगा। हाँ बिल्कुल, प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। फिर आगे प्राइस का रेशियो होगा 10 से 11, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा 11 से 10। अब हमें क्वेश्चन में 11 की वैल्यू गिवन है, 11 हमने स्टार्टिंग में कितने परचेज करे थे, 11 11 की वैल्यू है 11, 1 की वैल्यू कितनी? रुक गई है आवाज आ रही है बस, अच्छा करिए सर आपके बीच बीच में। बच्चों आपको साथ कुछ दिक्कत, मतलब आपको सब एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है? सर मैं ये कह रही हूँ हमें सुनाई सारा दे रहा है, आपके एक्सप्रेशन सही से नहीं दिख रहे, आप रुके हुए इमेज में। मैं रुका हुआ हूँ? आप एक बार रिफ्रेश करो हिमांशी। ठीक है, भाई ऐसी दिक्कत सबके साथ है क्या? तो फिर मैं जाकर वापस आता हूँ, बोलो। नो सर, सर आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं सर, बिल्कुल क्लियर। देखो मेरे आपको कुछ दिखे ना दिखे, क्वेश्चन समझ आए ना आए, मैं बराबर दिखना चाहिए आपको। सर वो हाँ सर आप बराबर दिखोगे ना तो सही समझ आएगा। सर अब दिख रहे हो? ठीक है अब दिख रहा है, अब देखो। हाँ अब देखो क्वेश्चन में हमें 11 की वैल्यू गिवन है, 11 अगर यहाँ हमारे पास सपोज 22 होता तो फिर हमारे पास 11 की वैल्यू हो जाती 22 और 1 की वैल्यू कितना हो जाती 2 और 10 की वैल्यू कितना होती 20। लेकिन अब हमारे को क्वेश्चन में 11 की वैल्यू गिवन है 11, अगर 11 की वैल्यू है 11 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 की वैल्यू है 11, 1 की वैल्यू होगी 1, तो 10 की वैल्यू कितना होगी 10। अगर ये मैन 1 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करे और 1 रुपीज में 10 ऑरेंजेस को सेल करे तब इसको 10% प्रॉफिट होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? वही पुराना कॉन्सेप्ट है ये, बताओ कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर जैसे यहाँ पे बोला है कि I mean, some purchase some oranges at the rate of 11 oranges for rupees 1. तो 11 का सर एक है ना, एक का एक तो नहीं? 11 का एक मतलब 11 की वैल्यू है 11, 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 10 की कितनी होगी 10। भाई ये जो हमें परसेंटेज गिवन है ना प्राइस वाली, ये बस इसीलिए गिवन है इस परसेंटेज से प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, प्राइस के रेशियो को रिवर्स कर दोगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाए, अदरवाइज इसको और कोई भी यूज नहीं है। ओके सर, आई थॉट कि जो 11 ऑरेंजेस है फॉर रुपीस 1 वो पर ऑरेंज 1 रुपए का है, वो सर हमको स्टार्ट के स्टेटमेंट में ही मालूम पड़ गया ना। बिल्कुल देखो ये तो कुछ आपको कुछ भी गिवन होगा, इसको आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट इस परसेंटेज को देखो। ओके सर। भाई हमसे आप एक बात सोचो, हमसे क्वेश्चन में सेम ही तो बात पूछी है भाई, 1 रुपए में 11 परचेज कर रहा है और 1 रुपीज में कितने सेल करेगा,
इसके प्लेस पर अगर क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाए, इसी के प्लेस पर अगर क्वेश्चन ये हो जाए 5 रुपीज में 11 परचेज करेगा, 5 रुपीज में कितने सेल करे, भाई जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम ही है ना, 5 रुपीज में ये परचेज कर रहा है और 5 रुपीज में ही हमें फाइंड आउट करना है कितने सेल करे, इसलिए प्राइस से जब तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक बोला ना जाए। समझ आया बच्चों का? सर नहीं आया मेरे को। क्या समझ नहीं आया बताओ? सर सेम सेलिंग प्राइस है आप कह रहे हो एक तरफ तो, कि प्राइस और कंजम्पशन है तो सेम एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर गेन 10% है। आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में ये बताओ, 1 रुपए में हम कितने वो ऑरेंज बेचे कि गेन 10% हो जाए, और 1 रुपए में ही आपने परचेस करे और 1 रुपए में ही आपको बताना है कितने आप सेल करो, इसलिए प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई ये जो आपको प्राइस गिवन है ये भी तो 1 रुपए का ही गिवन है, 1 रुपए में 11 परचेस करे हैं और 1 रुपए में कितने सेल करोगे, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस का, क्योंकि 1 रुपए में परचेस का प्राइस गिवन है और 1 रुपए में सेल का प्राइस फाइंड आउट करना है। समझ आई मैं इसी बात? ठीक है, ये मतलब अगर हम 10 के खरीद रहे हैं तो हम 11 का एक बेचेंगे, अगर हम 1 रुपए में 11 परचेस कर रहे हैं तो 1 रुपए में 10 जब बेचेंगे जब हमें 10% प्रॉफिट होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बहुत देर होगी करते करते, नेक्स्ट भी एकदम सेम है, एकदम ही सेम होगा, करो इसको ट्राई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो, उसको रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। अब आप ये बताओ यहां से प्राइस का रेशियो कितना होगा? 5:6 5:6 आगे अभी बताएंगे। बताओ बच्चों प्राइस का रेशियो कितना होगा? आप एक बात बताओ, अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन करा था, एक सेकंड, ये क्वेश्चन सबको क्लियर था बच्चों? ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सबको क्लियर था? ये क्लियर था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और ये जो आप अभी कर रहे हो ये एकदम सेम क्वेश्चन से दोनों, बस इनकी लैंग्वेज चेंज होगी। देखो कैसे, भाई आपने क्या करा, 20% लॉस पर सेल करा, मतलब 80 पर, और आपको फाइंड आउट करना है अगर आपको 20% प्रॉफिट लेना है तो आप कितने में सेल करोगे। तो अब आप एक बात बताओ, रेशियो आपको थोड़ा सा सोचो, इन तीनों में से किन दो टर्म्स का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है बताओ। भाई ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अब जो हम प्राइस लेंगे वो ये दोनों प्राइस लेंगे। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब हमें 20% लॉस हुआ तब हमने 12 ऑरेंजेस को सेल करा, अगर हमें 20% प्रॉफिट लेना है तब हम कितने सेल करेंगे, मतलब हम किन दोनों प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं, 80 वाला और 120 वाले प्राइस का। बताओ बच्चों बात समझ आई? जिन भी दो प्राइसेस को आप कंपेयर करोगे उन्हीं को लोगे, तो अब प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 ना कि 4:5 और 5:4। बताओ किसको समझ नहीं आई बात? भाई जिन भी दो प्राइस का आपको कंपेयर करना है बस आप उन्हीं प्राइस को लोगे। एट ऑरेंजेस, अब देखो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, हमें कंपैरिजन करना है 80 और 120 में, एट आंसर है, एट। यहां से प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, प्राइस का रेशियो हो गया 2:3।
तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। 3 की वैल्यू गिवन है 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 4, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। अगर हम 12 ओरेंजेस को 1 रुपीस में 12 ओरेंजेस को सेल करेंगे तब हमें 20% का लॉस होगा, लेकिन अगर हम 1 रुपीस में 8 ओरेंजेस को सेल करेंगे तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको? प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो, बस उसको रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। सुना चे, इतने दुखी कैसे हो रहा, पक्का समझ आया आपको? सर का यस सर। ओके भाई, बाकी सब भी बताओ, चुपचाप बैठे हो तभी पता चलेगा जब आप बोलोगे yes, समझ आया या फिर नहीं आया या फिर नोट्स बना रहे हो। सर आ गया। अब देखो, आपको तो एक फॉर्मूला नोट कराया था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस, यहां से आया था वो फॉर्मूला। करो इस क्वेश्चन को, ये कोई आर्टिकल है, अगर हम उस पर 25% डिस्काउंट दे तो उसके बाद भी हमें 30% प्रॉफिट होगा और हमें प्रॉफिट गिवन है 90 रुपीज, तो हमें फाइंड आउट करना है हमने कितना डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बच्चों सॉल्व तो इसको तब करेंगे, पहले आपको क्वेश्चन तो समझ आए। यस सर आ जा। देखो हमारे पास ना तीन टाइप के प्राइस होते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस और उसके बाद मार्क प्राइस। अब देखो हमने क्या करा, 25% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी बताओ? 1/4। अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 4, अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 4 और हमने दिया इस पर 1 डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ? मार्क प्राइस है 4, 1 दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3। 25% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस है 10 और 3 हुआ में प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। अब देखो यहां से हमारे पास जो भी टर्म कॉमन है बस उसको ना इक्वल कर दो भाई। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो बस आप क्या करो, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकता है, तो आप एक बात याद रखो, जो भी कॉमन है बस उसी को इक्वल कर दो। अब देखो इसको इक्वल आप कैसे करोगे, वैसे तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ बस इतना ही समझ लो। इस थ्री बोलो। यस सर। सर आप बोलो। जो भी बॉक्स हमारे पास खाली है उससे पहले वाला नंबर उसमें फिल कर दो। 3 को हमने इधर फिल कर दिया और 13 को हमने इधर फिल कर दिया। ये बात रेशियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 30, 39 और 52। बताओ यहां तक की बात समझ आई? जो भी टर्म कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। बोलो बच्चों। यस सर। सर आप देखो, बोलो बोलो। ये जो नीचे 10, 13, 13 लिया है आपने,
आई मीन वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है और आई मीन उसका लॉजिक क्या था सर, एक बार बता दीजिए। देखो ये जो फिल करना है ना, ये आपको समझ आएगा रेशियो में। नहीं नहीं सर, नॉट फिलिंग दैट थिंग, जैसे 10 13 आपने नीचे लिया है ना, जैसे ओके 30 का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वो एक बार बता दीजिएगा। कॉस्ट अगर हमारे पास किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 और हमें 3 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर? हाँ सर वो 13 होगा, बट सर ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे अभी ऊपर हमने लिया आई मीन सीपी तो कुछ हमको दिया नहीं है, 3 और 4 हमने कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ले लिया 25% से, देन अगेन मींस नीचे उसका थोड़ा आई मीन लॉजिक नहीं समझ रहा सर, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम। हमने चीज हमने अज्यूम कर लिया ना, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 13, अगर हमारे पास मार्क प्राइस 4 होगा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3। ये सब चीजें तो हमने एज्यूम करी है। ओके ओके अब देखो जो भी हमारे पास यहां दो बॉक्सेस है जो खाली है, इनसे पहले वाला नंबर बस यहां फिल कर दो और उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट प्राइस आ गया 30, सेलिंग प्राइस आ गया 39 और मार्क प्राइस आ गया 52। अब देखो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 30 और सेलिंग प्राइस है 39, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 9 का। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की बन है, कितना प्रॉफिट हुआ? 9 की वैल्यू की बन है 90। यस सर। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। 10। 1 की वैल्यू है 10। हमें फाइंड आउट करना है हमने कितना डिस्काउंट दिया। भाई मार्क प्राइस है 52, सेलिंग प्राइस है 39, हमने कितना डिस्काउंट दिया 13। वन की वैल्यू है 10 तो 13 की वैल्यू कितनी है? 130। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इस कॉन्सेप्ट पर बेस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। बताओ किसको समझ नहीं आया? बोलो बच्चों। देखो जो भी टर्म कॉमन है बस उसको इक्वल करना है। ऐसे क्वेश्चन भी जहां आएंगे हमारे पास जिनमें मार्क प्राइस कॉमन होगा तो वहां बस हम मार्क प्राइस को इक्वल कर देंगे, जहां कॉस्ट प्राइस कॉमन होगा वहां बस कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर देंगे। सर यहां आई मीन सेलिंग प्राइस कॉमन है ये कैसे पता चला हमको? अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है 4, 1 डिस्काउंट देने के बाद हम इसको क्या करेंगे सेल? भाई जब आप सेल करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके ऐसे और क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे सर, तभी शायद गुस्से का दिमाग में अच्छे से। नहीं इसमें क्या नहीं था बताओ, इसमें क्या नहीं गुस्सा दिमाग में? इसमें तो कुछ दिमाग में घुसने के लिए है भी नहीं, अगर आप फालतू में कंफ्यूज ना हो तो। भाई आपने 25% डिस्काउंट दिया, उसके बाद आपको 30% प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब आपने सेल ही तो करा होगा। सोचो भाई अगर आपने 25% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट लिया है तो 25% डिस्काउंट के बाद तुमने उसे सेल ही तो करा होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ है। अगर 25% डिस्काउंट देने के बाद उसको संदूक में बंद करके रख लोगे तो प्रॉफिट होगा? नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही होगा। बात समझ आई बच्चों? हाँ बोलो सर। सर आपने बोला इसमें इक्वल करेंगे तो इक्वल कहाँ किया? दोनों ये दोनों इक्वल ही तो हो गए। ये जो आपने ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर दी ना बॉक्स में बनाने के बाद उससे खुद से इक्वल हो गए। ओके ओके सिंगल सिंगल नहीं करेंगे पूरा? आप सिंगल सिंगल भी इक्वल कर सकते हो, प्रोसेस उसी में भी सेम होगा। देखो समझ लो आप इसको सिंगल सिंगल भी इक्वल कर दो या फिर आप ये जो बॉक्सेस वाला था आप इसको ऐसे इक्वल कर दो, बातें सेम ही रहेंगी। आप ये बताओ हमें 3 और 13 को इक्वल करना है, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 13 से। 13।
तो अब 13 की मल्टीप्लाई 4 में भी करनी पड़ेगी। यस सर। 13 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। अब 3 की मल्टीप्लाई 10 में भी करनी पड़ेगी। ऐसे भी इक्वल हो जाएगा और ये जो बॉक्स वाला इससे भी इक्वल हो जाएगा। पता है दोनों सेम है। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया आपको? जरूर आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। करो इसको ट्राई। अब एकदम सेम क्वेश्चन फटाफट से करो ट्राई। अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 10, अगर मार्क प्राइस है हमारे पास 10, 1 हमने इस पर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 30% अगेन। तो ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास मार्क प्राइस है 10 और आपने इस पर 1 डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। टेन परसेंट डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 10 और 3 हुआ हमें प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। दोनों में हमारे पास सेलिंग। हाँ बोलो सर। मेरा ना जैसे एमपी बीच में आ रहा था, मैंने सीपी एमपी एसपी लिख दिया था, तो फिर आप इक्वल कैसे कर पाओगे? नहीं, फिर बीच में रखने की कोई जगह है? अगर बीच में स्पेस आ जाए तो क्या लिखें? मतलब बीच में स्पेस आएगा कैसे, आप ये बताओ। सर मैंने ना पहले एमपी और एसपी का रेशियो निकाला, जैसे एमपी और एसपी का जैसे इसमें निकाला डिस्काउंट 10% है। सुनो, इक्वल करने के लिए तो आपको फिर भी एसपी को एसपी के नीचे रखना पड़ेगा, तो आप अलग अलग भी कर लो। तो मेरा बीच में देखो एमपी इसको इधर और इसको इधर कर दोगे, फिर आप इनको इक्वल कैसे करोगे? मतलब वही उसको उल्टा करना पड़ेगा फिर? हाँ बिल्कुल, जिस भी टर्म को इक्वल करना है भाई वो तो ऊपर नीचे आएंगे तभी तो उनको इक्वल कर सकते हो। समझ आए मानसी? यस सर। सर आप मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ? आपने बस इसको इधर और इसको इधर कर दिया। हाँ, ये इधर हो जाएगा, फिर आप इसको इक्वल कैसे करोगे? मतलब बीच में कोई वो नहीं है कि बीच में हम क्या रखे, साइड में ही होना चाहिए वो चीज। सीपी खाली कुछ भी कहीं भी कर लो, लेकिन जिस टर्म को इक्वल करोगे वो तो उसको तो ऊपर नीचे रखना पड़ेगा जब भी इक्वल करोगे। एक बार मेरे वाला करना। मैंने पहले एमपी एसपी निकाला, एमपी होगा 10 तो एसपी कितना होगा? 9। अब ये होगा 10, हाँ ये बीच, हाँ ये यहाँ क्या लिखूं मैं? हाँ ये 10 के नीचे। भाई अभी तो आप इस एसपी को इक्वल करोगे। हाँ ठीक है, अब आप यहाँ क्या लिखना है 10 के नीचे 13? ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ना कहीं फॉलो होगा कहीं फॉलो नहीं होगा।
अगर इसका एग्जैक्ट प्रोसेस देखना तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में ठीक आ जाएगा, कहीं ये ठीक नहीं आएगा। इसलिए तो आपको इस सीपीएसपी और एमपी बताया है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना भाई। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख लो जैसे बताया, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। हमेशा सीपीएसपी एमपी लिखूं मतलब? इसको बस ऐसे याद रख लो, हमेशा इसको ऐसे ही नोट करना है आपको हमेशा, बस इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने कभी, क्योंकि जो प्रोसेस आप बोल रहे हो ना उसमें बहुत बार गड़बड़ हो जाएगी अगर आप कुछ भी कहीं भी अज्यूम कर लोगे। फिर जो हमारे पास इधर ब्लैंक वाला बॉक्स था ना, उसमें आपको फिर इधर से 9 फिल करना पड़ेगा जो आपने करा था, उसमें आपका सेलिंग प्राइस में इधर था ना और कोस्ट प्राइस इधर था, तो जो इधर वाला 9 है फिर वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। इसलिए इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो। इसका आंसर 30% है। 30% आंसर तो अभी देखते हैं कितना होगा। सर ये तो देख ही दे ही रखा है कि 30% गेन है, तो आंसर तो वही नहीं होगा। क्वेश्चन रीड कर लो पहले आराम से, इतनी कोई जल्दी नहीं है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अगर आप उस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करोगे तब कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा अब देखो आर्टिकल में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 1170, इसका मतलब 117 की वैल्यू गिवन है 1170, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। 1 की वैल्यू है 10, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी 900 और 130 की वैल्यू कितना होगी 1300। अब कोस्ट प्राइस है 900, सेलिंग प्राइस है 1130 और मार्क प्राइस है 1300। आपको फाइंड आउट करना है अगर आप इस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पर सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। ये जो आर्टिकल है जिसका कोस्ट प्राइस है 900, अगर आप इसको मार्क प्राइस 1300 पर सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा। 44/9% 400 प्रॉफिट होगा अपॉन कोस्ट प्राइस। 4/9 कितना होगा 44, 4/9%। बात समझ आई बच्चों? जो भी टर्म कॉमन है बस उसको इक्वल करना है बिना ज्यादा दिमाग लगाए। बताओ बात समझ आई बच्चों या फिर से रिपीट करें? तुम्हारा साथ दिक्कत ये होती है तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हो और जितना तुम्हारे पास है नहीं हिसाब से ज्यादा लगा देते हो। सर आ गया समझ में? आ गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 10। अगर आपने डिस्काउंट दिया है 10 तो कोस्ट प्राइस कितना होगा? 90। भाई अगर हमने 10 डिस्काउंट दे दिया तो कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ 30%। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। भाई अभी अभी जब हमने इनको सॉल्व करा था तब भी तो हमारे पास ये सेम ही आया था भाई, अभी जब हमने इसको इतना बड़ा सॉल्व करा था तब भी तो हमारे पास जो कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस था उनका रेशियो सेम 9:13 आया था। तो ये फॉर्मूला ना बस यही से आया है,
इस फॉर्मूले को बार बार चेक करा, हर एक वैल्यू पर सेटिस्फाई हुआ तो बन गया फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 130, कितना प्रॉफिट होगा 40 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 4 अपॉन 9 कितना होगा 44, 4 अपॉन 9। बात समझ आई बच्चों? तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना, वैसे भी इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट आ गई? बोलो बोलो बच्चों। क्वेश्चन को सॉल्व करने मत लग जाना, पहले इसको अच्छे से रीड कर लो। एक बार इसको रीड कर लो, देखो कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्रमोशन भी जरूरी है। वैसे इतना भरोसा तो तुम्हें भी होगा, प्लूटस एकेडमी 500 बुक्स फ्री में देगी आपको। 18% जीएसटी के साथ देते हैं बुक्स, फ्री का तो मतलब ही छोड़ो। देखो टोटल कितने बुक्स हैं हमारे पास 3500, इसमें से हमने क्या करा 500 बुक्स को तो फ्री में दे दिया। उसके बाद क्या करा, जब हमने 29 बुक्स को सेल करा तब एक बुक फ्री में दे दी। उसके बाद भी हमने क्या करा, हमारे पास मार्क प्राइस है 160, इस पर भी हमने 25% डिस्काउंट दे दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है इतना प्रोसेस करने के बाद लास्ट में कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। बात समझ आई बच्चों? नहीं सर, ये सेकंड लाइन नहीं आई, एक बार दोबारा बताना। देखो टोटल बुक्स है हमारे पास 3500, इतनी बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है सबसे पहले ये बताओ। हमारे पास टोटल बुक्स है 3500, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 350,000। अब हमने क्या करा, इसमें से 500 बुक्स को तो फ्री दे दिया, रिमेनिंग बुक्स कितनी बची 3000। अब इसके बाद भी हमने क्या करा, जब हमने 29 बुक्स को परचेज करा तो हमें एक बुक फ्री में मिल गया। भाई जब हमने 29 बुक्स को परचेज करा तो हमने एक बुक फ्री में मिल गई, इसका मतलब जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक फ्री वाली भी तो होगी। भाई जब आपने 29 बुक्स को परचेज करा तो आपको एक बुक फ्री मिली, जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक वो भी तो होगी जो फ्री वाली है। बताओ ये बात समझ आई? अब मत बोलना बच्चों, जब पूरा आंसर आ जाएगा तब बोलना, फिर नहीं बताया जाएगा अब आपको। इसका मतलब अब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, इस 30,000 देखो, जब आपने 30 बुक्स को परचेज करा तो एक बुक फ्री मिली, फिर से जब आपने 30 बुक्स को परचेज करा फिर एक बुक फ्री मिली, फिर से 30 बुक्स को परचेज करा फिर एक बुक फ्री मिली। तो जब जितने भी आपके पास 30 है उतनी बुक आपको फ्री मिल गई। तो आप इतना फाइंड आउट कर लो, ये जो हमारे पास 3000 है इसमें 30 कितने टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब अब आपने 100 बुक्स भी फ्री दे दी। भाई ये जो हमारे पास 3000 है अगर आप इसको 30 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब आपने 100 बुक्स और भी है जो फ्री में दे दी। अब आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची 2900। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक? अब देखो इसके बाद हमारे पास आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 160,
आर्टिकल का मार्क प्राइस है 160 और इसको भी जब हमने सेल करा तो इस पे 25% डिस्काउंट दे दिया। अगर 25% डिस्काउंट दे दिया तो इसका प्राइस अब बचा कितना होगा? 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4। ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ से आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। दोनों का डिफरेंस पता ना कितना होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? बताओ बताओ इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट? 2000 का लॉस आ रहा है इसमें। 2000 का लॉस, ये कितना होगा? 120। दो हजार का ही है, 3,48,000। तो बस कॉस्ट प्राइस था 3,50,000, सेलिंग प्राइस है 3,48,000, कितना लॉस होगा? 2000/ बस 2000 का, यहाँ बस हमें लॉस फाइंड आउट करना है। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? एकदम सेम क्वेश्चन है, आप करो इसको ट्राई। करो ट्राई। सर ये 24 बुक्स के साथ एक दिया है या मतलब 25 बुक दिए हैं 24 की जगह? 24 की जगह 25 बुक दिए हैं। देखो टोटल हमारे पास कितनी कॉपीज हैं? 2000। टोटल कॉस्ट प्राइस है 2400। अब इसमें से सीधा सीधा 500 कॉपीज तो हमने फ्री में दी, रिमेनिंग कितना बचा? 1500। अब इस 1500 को भी जब हमने सेल करा तो हर एक 24 बुक्स पर एक बुक फ्री दे दी। इसका मतलब जब हम 25 बुक्स देंगे तब हमें कितनी बुक्स का प्राइस मिलेगा? 24। तो आप ये फाइंड आउट कर लो इस 1500 में 25 कितने टाइम्स आएगा? 60 टाइम्स। तो इसका मतलब अब आपने 60 बुक्स और हैं जो जिनको फ्री में दे दिया, रिमेनिंग बुक्स कितनी बची जिनका आपको अमाउंट मिला होगा? 1440। बताओ ये बात समझ आई? यस सर। 2280 है सर आंसर। अभी देखते हैं कितना होगा हिमांशु, ऐसे तो याद नहीं है। देखो हमारे पास हमने कितनी बुक्स को सेल करा? 1440। अब इसके बाद हमारे पास मार्क प्राइस कितना है? 3.25। और इस मार्क प्राइस पर भी हमने कितना डिस्काउंट दिया? 25%। अगर 25% डिस्काउंट दिया तो उसका प्राइस कितना बचा होगा? 75%। 75% की फ्रैक्शन 3/4। बताओ बच्चों बात समझ आई है सेलिंग प्राइस वाली? सर डिस्काउंट का है ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ये कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेशन करो, 25 से डिवाइड करो 13, 25 से डिवाइड होगा ये 4, 16 से डिवाइड होगा 9, 0, 39 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 3510। भाई कॉस्ट प्राइस है 2400, कॉस्ट प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस होगा 3510। तो आपने कितना प्रॉफिट लिया बताओ, कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 1110। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अब कितनी होगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 4 5 से तो ज्यादा आएगा, कितना हो जाएगा 6, 46.2 के आसपास आएगा, 46.25%। तो आपको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो, बताओ बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको। सर कैलकुलेशन एक बार दिखाना मेरे को, एक बार आपने कैसे किया ये वाली, तो बस कैलकुलेशन ही करनी है आप, जैसे इसको डिवाइड कर सको। पहले आप अपने अकॉर्डिंग कर लो 2 से, मैं तो डायरेक्ट 24 से ही कराया था। पहले मेरा गलत आ रहा था। बताओ बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट, देखो आज के जो आपके क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से ऐसे ही थे, तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करना अच्छे से, और बाकी ऐसा भी हो सकता है आज मेरी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से ना समझा पाया, तो आप एक बार ट्राई करना, अगर कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल आपका टेस्ट होगा उसको आप जरूर ज्वाइन करना, जरूर मतलब जरूर, परसेंटेज का। हाँ जी, कितने बजे टाइम आपको बता देंगे, फिर आ जाएगा नोटिस। हाँ टाइम तो आपको आज ही बता देंगे, या तो 10 बजे से पहले, मतलब 10 या फिर 11 बजे के बीच में होगा, या फिर इवनिंग में होगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, आज की क्लास को रिवाइज करना, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। बाय बाय बच्चों। Thank you.